हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल द ट्वेंदी चिंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फ्रॉम योर पॉलिटिकल साइंस बुक वन जिसका नाम है दी एंड ऑफ बायपोलारिटी इस पर्टिकुलर चैप्टर का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस पीडीएफ में मैंने सर्टन पोर्शन हाईलाइट कर रखा है वो जो पोर्शन है वो आपके आंसर राइटिंग में आएगा ठीक है तो वो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंटर है आप उनको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं बिफोर गिविंग द एग्जामिनेशन उसके साथ यहाँ पे सर्टन क्वेश्चन भी हैं वो वाले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं पहले एंड उनके चांसेस ऑफ कमिंग अगेन In this body so, आप उन इक्रीजेस को भी एक बार रिव्यू कर लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन साइंस जितने भी चैप्टर है उन सबके नोट मिल जाएंगे एंड बाकी भी ह्यूमानीज में जितनेटिकुलर चैप्टर so, अब एंड ऑफ बाइपोलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले शुरू करना होगा बाई टॉकिंग अबाउट द सोवियत यूनियन बिकॉज दैट इज द मेन मतलब यू you नो know, कंट्री यहाँ पे जिसके हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो सोवियत यूनियन क्या था इट वॉज दिस केम इन टू एक्सिस्टेंसवियत में रशियन रेवोल्यूशन होता है या फिर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होता है जिसके थ्रू यूएसएसआर क्रिएट होता है अब जैसे ही नाम बता रहा है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ये किस लिए बना था फॉर सोशलिज्म ठीक है इट वॉन्टेड टू प्रमोट द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म इट अगेंस्ट द आइडियाज ऑफ कैपिटलिज्म और ये चाहता था कि एक इगैलेटेरियन सोसाइटी बने इगैलेटेरियन सोसाइटी से हमारा मतलब होता है एक सोसाइटी जहां पे इक्वालिटी ऑपरेट करती हो हर जगह से इक्वालिटी हो This was perhaps the biggest attempt in human history to abolish institution of private property. Private property as in like जो हम लोगों के पास properties होती है खुद के नाम पे इन सारी चीजों को abolish कर देना and जो property है उसको state को दे देना as in like government अब control करेगी किसी individual के पास private property नहीं होगी इससे क्या होगा private property से जो arise होते हैं inequality जो income inequality arise होती है class inequality arise होती है वो हट जाएगी ठीक है and यहाँ से वो जा रहे थे develop हो एक uh, मतलब यू नो कंट्री विच ऑपरेट्स ऑन द ऑफ इक्वालिटी सोवियत सिस्टम जो था यहाँ पे प्राइमेसी दिया गया स्टेट को एज इन मतलब कि यहाँ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनको सबसे ज्यादा प्राइमेसी दिया गया उनके पास सारी पावर्स थी, बोथ इन टर्म्स ऑफ यू नो आपकी इकोनमी uh, कैसे ऑपरेट करेगी एंड आपकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे ऑपरेट करेगा पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी दैट इज द कॉम्युनिस्ट पार्टी नो अदर ऑपोजिशन वॉज अलाउड यहाँ पे कॉम्युनिस्ट पार्टी ही थी जो रूल करती थी एंड इट रूल ओवर हेयर फॉर सेवेंटी ईयर्स आपकी जो इकोनॉमी थी यहाँ पे इट वॉज प्लान बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से सोवियत आर्मी जो होती है वो यू, आ, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे फैसिस्ट गवर्नमेंट्स होती है फैसिस्ट लाइक गवर्नमेंट्स जो इम्पोज कर रही होती है अपने आइडियोलॉजी को लोगों के ऊपर एंड वो मतलब यू नो बहुत ब्रूटली रूल कर रही होती है तो यूएसएसआर क्या करता है इन कंट्रीज के पास जाता है पर्टिकुलरली ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो होती हैं एंड देन वहां पे उनकी जो गवर्नमेंट होती है जो ब्रूटल गवर्नमेंट होती है उन्हें हटा के उनको ट्रीज को अपने अंदर ले लेता है ठीक है इट टेक्स इट इंटू इट्स ओन कंट्रोल तो ऐसे क्या होता है कि जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम होता है इन कंट्रीज का अब वो ऑपरेट करता है यूएसएसआर के अकॉर्डिंग तो जैसा यूएसएसआर चाहता है अब वो कंट्रीज वैसे ही पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम में ऑपरेट करती हैं तो ये जो कंट्रीज होती हैं साथ में आके इनको हम बुलाते हैं सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक ठीक है और इनके जो मिलिट्री अलायंस है इनको बुलाया जाता है वार्सो पैक्ट तो यूएसए की मिलिट्री अलायंस इज नेटो एंड यूएसए की कंट्रीज को बुलाया जाता है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज यहाँ पे दिस इज द सेकंड वर्ल्ड कंट्री सोशलिस्ट ब्लॉक एंड वार्सो पैक्ट अब सोवियत यूनियन जो था उसकी इकॉमी वॉज डूइंग वेरी वेल ठीक है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओनली कॉम्पिटिव उसका यूएसए बट वो उसकी इकॉनॉमी अगर हम लोग बाकी कंट्रीज के कंपेयर करें तो इट वॉज वेल एंड इसका पीछे रीजन क्या है सबसे पहला रीजन इज अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क का क्या मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह आपके आइडियाज आपके गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो पा रहे हैं अगर ये सब अच्छे से हो पा रहा है तो आपकी कंट्री जो है वो इफेक्टिवली ग्रो करती है इकोनॉमिकली तो हैविंग अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क इज ऑलवेज हेल्पिंग अ कंट्री टू ग्रो

इट हैड ए डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री इसका क्या मतलब होता है कि हर चीज जो एक कंज्यूमर को चाहिए होगी यू नो पेन से लेके पेन से लेके एक गाड़ियों तक हर चीज जो थी वो अपना यूएसएसआर अपने विद इन ही बनाता था ठीक है एंड अपने विद इन बनाता था एंड बिकॉज इट वॉज फॉलोइंग सोशलिज्म सोशलिज्मिज्म मॉडल इट हैड वेरी लिमिटेड विद द वेस्टर्न वर्ल्ड ठीक है मतलब बाहर की दुनिया से लिमिटेड इंट्रेक्शन था एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर अपना ज्यादा डिपेंडेंस नहीं रखता था खुद ही चीजों को बना लिया करता था अगेन बिकॉज ये इक्वालिटी के पर्पज से बना था इक्वालिटी चाहिए थी इन लोगों को एक एगैलीटेरियन सोसाइटी चाहिए थी इन लोगों को तो यहाँ पे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंश्योर करना उनका प्राइमरी फंक्शन था ठीक है मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग मतलब मतलब कि मतलब हर चीज उनको थोड़ा थोड़ा मिल जाए जिससे एक इंसान अब मेकिंग sure मतलब, कर सकती है एजुकेशन में प्रोवाइड करना चाइल्ड केयर में प्रोवाइड करना वेलफेयर स्कीम्स देना वेलफेयर स्कीम्स देना, स्कीम्स स्कीम पे पॉवर्टी जो होती है उनको मतलब पॉवर्टी में जो लोग रहते हैं उनको अपलिफ्ट करना ठीक है उनको फूड देना उनको रिसोर्सेज देना उनको जॉब एम्प्लॉयमेंट वगैरह देना यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे कि कोई भी अन्य एम्प्लॉयमेंट नहीं था बिकॉज स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड कराना एंड बिकॉज यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप नहीं था क्लास एंड इक्वालिटी एग्जिट नहीं करती थी एंड स्टेट ओनरशिप हर जगह पे देखने को मिलता था बट दैट डज नॉट मीन की जो सोवियत सिस्टम था वॉज अ वेरी परफेक्ट सिस्टम इसके विदिन भी बहुत सारे लिमिटेशन थे इसके विदिन भी काफी डिसएडवांटेजेस थे सबसे पहला एंड सबसे प्रोमिनेट डिसएडवांटेज था कि ये बहुत ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन सिस्टम था ठीक है बिकॉज सारा पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे वो वो कर सकती है ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी थी इट ऑल्सो लैक द लॉट ऑफ अनअकाउंटेबिलिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक ही पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करती रहती थी जो उसको करना है वो वही करती रहती थी तो यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था इसके साथ साथ लोग जो करते थे वो अपना जो डिसेंट होता है एज इन लाइक वो अपना अपोजिशन दिखाते थे इन द फॉर्म्स ऑफ जोक्स एंड कार्टून इसी के साथ साथ यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम जैसे मैंने बताया इट वॉज वेरी अनअकाउंटेबल री रिजेड ठीक है उनको पता था कि उनको ही जीतना है आगे वाले सिस्टम में तो वो ज्यादा इफेक्टिवली काम ही नहीं करते थे एंड रशिया की अगर बात करें तो यहाँ पे पंद्रह रिपब्लिक थी यूएसएसआर के विद इन एंड इवन दो वो कहते थे कि नहीं हर रिपब्लिक इज इक्वल टू वन अनादर रशिया का डोमिनेंस दिखता था ठीक है रशिया को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता था एंड इससे जो बाकी रीजन थे यूएसएसआर के विद इन उनको बहुत निगलेक्टेड एंड सप्रेस्ड फील होता था

जो रहती थी वो वो बीट नहीं कर पाता था वेस्टर्न कंट्री से इसका क्या मतलब है कि हर चीज तो वो बना लेता था खुद बट जो चीजें वो बनाता था उसकी क्वालिटी वॉज नॉट एज गुड एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न काउंटर पार्ट तो इससे क्या हो जाता था यूनियन जो था वो काफी बिहाइंड रह जाता था इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसी के साथ साथ जो यहाँ पे लोग थे वो उनको रियलाइज होने लग गया कि बाहर की कंट्री में ना एक्चुअली में बहुत डेवलपमेंट है एंड उनको रियलाइज हुआ कि उनकी कंट्री के विद इन वो डेवलपमेंट नहीं है तो इससे क्या हुआ उनकी एस्पिरेशन फुलफिल नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट ये जो सिचुएशन थी ये और वर्सन हो गई जब नाइनटीन में अफगानिस्तान में इन्वेशन सोवियत यूनियन ने इससे उसका सिस्टम और जो होता है वीक होता चला गया

को इलेक्ट किया जाता है एंड ही बिकम्स द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कॉम्युनिस्ट पार्टी ठीक है जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं कॉम्युनिस्ट पार्टी के एंड मिखेल गौरबेव आते हैं विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग रिफॉर्म्स ठीक है वो रिफॉर्म्स इसलिए चाहते हैं बिकॉज ही सेज कि हमको जो वेस्टर्न मतलब uh, टेक्नोलॉजी है एंड वेस्टर्न वेस्टर्नफॉर्मेशन जो इन लोगों के पास मिलती है हमको उनसे कीप अप करना पड़ेगा तो उनके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है उनके पास इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है हमको उनसे कीप अप करने के लिए रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे अपने आप को ओपन अप करना पड़ेगा उनसे फ्रेंडली होना पड़ेगा जिससे हमारी इकोनमी जो है वो भी डेवलप हो जाए तो दिस वॉज द इंटेंशन बिहाइंड गौरबे रिफॉर्म मूवमेंट, पे जो होता है है किसी ने भी नहीं किया होगा कि कितने हद तक ये मतलब चला जाता है, उल्टी दिशा में चला जाता है रिफॉर्म मूवमेंट का स्ट्रेटजी, तो बेसिकली क्या होता है, ही यहाँ पे आपको जो होती है वो शुरू करती है प्रोटेस्ट करना गवर्नमेंट के अगेंस्ट ठीक है ईस्ट यूरोपियन नेशन शुरू करती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना अब बिकॉज ये ईस्ट यूरोपियन यूरोपियशन प्रोटेस्ट कर रही थी इससे पहले क्या होता था जब भी कहीं पे भी यूएसएसआर में प्रोटेस्ट होते थे बिकॉज सेंटर के पास काफी पावर थी वो कर्व कर देती थी, थी प्रोटेस्ट को जाके ठीक है वो प्रोटेस्ट को रोक देती थी, थी वो इंटरवीन कर देती थी, थी बट यहाँ पे गौरव ने पहली बार क्या किया यहाँ पे इंटरवीन नहीं किया अर्लियर इंटरवीन होता था अब गौरवशियर ने इंटरवीन नहीं किया तो इससे क्या होता है कि एक एक करके जो कॉम्युनिस्ट रिजीम है वो धीरे धीरे करके कोलैप्स करने लग जाता है इसी के साथ साथ यहां पे जो कॉम्युनिस्ट पार्टी थी वो भी डिसअग्री कर रही थी यहां पे के रिफॉर्म मूवमेंट से तो कम्युनिस्ट पार्टी के विदिन भी बहुत सारे लीडर्स को कि नहीं ये रिफॉर्म्स हमको नहीं लाने चाहिए और ये कौन करता है कॉम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्ड लाइनर्स होते हैं जो गौरबेफ के अगेंस्ट होते हैं तो येल्स्टन नाम के एक इंसान थे जो इमर्ज करते हैं एज ए नेशनल हीरो इन द ऑपोजिशन ऑफ दिस कूप ठीक है तो इस कूप को अपोज कौन करते हैं येल्स्टन बॉरिसन जो है ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट रशियन नेशन तो यूएसएसआर का जब डिस इंटीग्रेशन हो जाता है तो ही बिकम्स द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया तो यहाँ पे जब वो रशियन रिपब्लिक में जीत जाता है येस्टे तो यहाँ पे इलेक्शन के थ्रू वो जीतते हैं एंड देन उसके बाद क्या होता है जो सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है रशिया के इन एज लाइक जो सोवियत यूनियन का कंट्रोल था रशिया के ऊपर वो धीरे धीरे कम होता जाता है एंड इट्स नॉट जस्ट रशिया बाकी सब रिपब्लिक्स में भी ये देखने को मिलता है कि जो सोवियत यूनियन का कंट्रोल था वो धीरे धीरे कम होता जाता है एंड वो अपने आप को देखने लगते हैं एज सॉवरिन स्टेट एज इन लाइक हम लोग खुद की कंट्रीज बनाएंगे हम खुद अपने डिसीजन खुलेंगे अब यहाँ पे क्या होता है कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने तो कह दिया कि हमको खुद जाना है हमको अलग रहना है बट सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है सेंट्रल एशियन लाइक उजबेकिस्तान कजाकस्तान ये वाली जो कंट्रीज है इनको नहीं चाहिए था इंडिपेंडेंस इनको इंडिपेंडेंस लेना पड़ गया आउट ऑफ यू नो लाइक आउटकम उनके पास कुछ वो नहीं था दे वॉन्टेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ सोवियत फेडरेशन ऑनली वो चाहते थे कि सोवियत यूनियन ही रहे यूएसएसआर ही रहे बट बिकॉज यूएसएसआर डिस हो जाता है 1991 में दिसंबर के महीने में दे आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन अब ये जो स्टेट्स थी यहाँ पे दे हैड टू फॉलो द पाथ ऑफ कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी उन्होंने कहा अब हम लोग कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी फॉलो करेंगे तो फ्रॉम कॉम्युनिज्म एक मैसिव शिफ्ट आ जाता है यहां पे इकोनॉमिक ओरिएंटेशन में टू कैपिटलिज्म अब जो ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी जिनके बारे में मैंने बताया कि उन लोगों को नहीं ज्वाइन करना था वो चाहते थे कि मतलब वो यूएसएसआर uh, का पार्ट ही रहे इंडिपेंडेंट स्टेट्स ना बने तो यहाँ पे भी उन लोगों को बहुत एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूसिव फील हो रहा था कि उनको मार्जिनलाइज कर दिया एक तरीके से तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करा उनको बना दिया गया फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द सीआईएस सीआईएस क्या होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का उनको फाउंडिंग मेंबर्स बना दिया एंड उनकी प्रॉब्लम कर्व हो गई अब यूएसएसआर जो था यूएसएसआर वॉज अर्लियर न्यूक्लियर पावर्स यूएसएसआर वॉज अर्लियर मेंबर ऑफ द पी फाइव इन यू तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर्स थी ये सब रशिया के ऊपर चली जाती है ऑब्वियसली बिकॉज रशिया वॉज दी मोस्ट डोमिनेंट रिपब्लिक उसमें तो रशिया के ऊपर मिल जाती है एंड नाउ रशिया इज द इनहेरेंट ऑफ द यू का सिक्योरिटी काउंसिल का सीट उसी के साथ साथ रशिया के पास यहाँ पे सारे कमिटमेंट्स एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज जो सोवियत यूनियन ने एज एन एंटिटी लिए थे सब रशिया के ऊपर आ जाते हैं एंड रशिया जो है इट बिकम्स द ओनली न्यूक्लियर स्टेट इन द पोस्ट सोवियत स्पेस मानिए कि जो यूएसएसआर के जो डिस इंटीग्रेटेड थे उनमें से सिर्फ एक ही ऐसी कंट्री थी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है रशिया ऑलरेड अब ये डिस इंटीग्रेशन हुआ क्यों था इसके पीछे बहुत सारी रीजंस आपको देखने को मिलेंगे एंड बहुत सारे डिबेटेबल रीजंस हैं बट प्राइमरी रीजंस अगर हम देख सके तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली इंटरनल वीकनेस काफी था यहाँ पे ठीक है इनका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो यूएसएसआर ने क्रिएट किया था खुद के लिए उसके अंदर ही बहुत सारे इंटरनल वीकनेसेस थे वो बहुत ऑथोरटेरियन था बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक था बहुत सारी वीकनेस थी वो सिटीजन्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहा था वो सिटीजनस की एस्पिरेशन को मीट नहीं कर पा रहा था एंड हेंस यहाँ पे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन भी होता गया कंज्यूमर गुड्स के शॉर्टेजेस भी होते गए एंड उसी के वजह से आपके यहां पे इकोनॉमी क्रंबल कर गई एंड यूएसएसआर को फाइनली डिसइंटीग्रेट होना पड़ा इसी के साथ जो सोवियत यूनियन जो था उसने बहुत सारे अपने रिसोर्सेज यूज कर दिए आर्म्स रेस में ठीक है कि हमको बीट करना है यूएसए को उनने मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे बहुत पैसा पे वेस्ट कर दिया उन्होंने स्पेस जो रेस हो रही थी उसमें बहुत ज्यादा पैसा रेस वेस्ट कर दिया तो इससे क्या होता है जो पैसा उन लोगों को अपने सिटीजन्स पे डालना था खाने पीने के लिए वेलफेयर के लिए वो पैसा यहाँ पे आ नहीं पाया तो इससे क्या होता है बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन एक तरीके से क्रिएट हो जाता है इसी के साथ साथ सिटीजन्स को पता लगता है कि बाहर की कंट्रीज में डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी हो रही है एंड उनकी कंट्री के विद इन ही डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है तो ये भी देख के मतलब उनके लिए बहुत शॉकिंग होता है कि हमको तो लगा था कि हर जगह ऐसा हाल होता है तो दिस वॉज ऑल्सो वेरी बिग शॉक फॉर देम टू सी द डिस्पैरिटी जो इतना एग्जिट करते कि बाहर की कंट्री में तो उनको कितनी अच्छी लाइफ स्टाइल है और इधर उनको नहीं मिल पा रही थी तो दिस ऑल्सो केम एज अ शॉक टू दे इसी के साथ साथ जो सोवियत सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा मतलब स्टेगनेंट था एडमिनिस्ट्रेटिव में भी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी जो सेवेंटी ईयर्स के लिए यहाँ पे रूल करी थी अब अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी तो वो इफेक्टिवली फंक्शन नहीं करेगी क्योंकि उसको पता है कि नेक्स्ट पॉलिटिकल ईयर में भी उसी को आना है उसके बाद भी उसी को आना है तो वो क्यों इतना ज़्यादा एफर्ट डाले राइट तो यहाँ पे अनअकाउंटेबिलिटी बढ़ जाता है एंड यहाँ पे वो काम करने का वो जो विल होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा लैक कर जाता है इसके अलावा ये जो मतलब इसके मेंबर्स थे वो अपने आप को ज़्यादा प्रिवलेज कंसिडर करते थे एंड ये ज्यादा प्रिवलेज भी थे इनके पास मनी भी ज्यादा था रिसोर्सेज भी ज्यादा थे एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सिटीजन्स और धीरे धीरे क्या हो जाता है पीपल जो होते हैं वो इनसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं इन सिटीजन ये जो सिस्टम क्रिएट कर रखा था उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और इनकी पॉपुलरिटी वीकेंड होने लग जाती है एज इन लाइक सिटीजन नहीं चाहते कि हम लोग ये सोशलिस्ट जो सिस्टम हमने क्रिएट कर रखा है या ये जो लीडर्स हैं इनके साथ हम लोग आगे कोऑपरेट करें अब जो गौरबर शेफ के रिफॉर्म्स थे इन्होंने फर्दर मतलब इस सिस्टम को फटाफट मतलब आ, क्रम्बल करने में के डाल दिया क्यों गौरबर शेफ जो था उसने प्रॉमिस किया था कि वो रिफॉर्म लाएगा इन ऑर्डर टू कैचअ विद द वेस्ट एंड लूज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ठीक है तो इससे क्या हुआ जो लोग थे वहां पे उन लोगों ने कहा कि हाँ अब हम लोगों को यहाँ से फ्रीडम चाहिए फुल एंड फाइनल तो यहाँ पे दो स्टैंड पॉइंट्स आपके क्रिएट हो जाते हैं सबसे पहले तो थोड़े लोग कह रहे थे कि ये जो आपका मूवमेंट हो रहा है ठीक है ये जो रिफॉर्म वाला मूवमेंट है ये बहुत स्लोली हो रहा है ठीक है इसको और फटाफट बढ़ाओ हमको फटाफट तुरंत रिफॉर्म्स चाहिए तुरंत के तुरंत हम चाहते हैं कि हम लोग ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इससे लूजन अप हो सके और हम लोग खुद चाहते हैं कि हमारी कंट्री जो है इकोनॉमिकली डेवलप कर पाए ऑन दी अदर हैंड यू हैड कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी कह रही थी कि भाई भाई, भाई बहुत तेज तेज रिफॉर्म्स चला रहे हो तुम तो, ठीक है इतना तेज रिफॉर्म्स मतलब धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चलो तो एक तरफ लोग जो कह रहे हैं बहुत धीरे धीरे चल रहे हो आप थोड़ा तेज चलिए और एक तरफ कह रहे बहुत तेज चल रहे हो धीरे चलिए तो यहाँ पे क्या होता है गौरबा शेव जो है वो अपने आपको एक सिचुएशन में पाए जाते हैं जिसको कहते हैं ऑफ वॉर सिचुएशन जहां पे दोनों तरफ से उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें एंड दोनों तरफ से उनकी जो पॉपुलैरिटी होती है वो वीकन कर जाती है एंड दोनों तरफ से सपोर्ट ही नहीं होता है एंड ये जो दोनों मतलब इंस्टीट्यूशन है वो एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाते हैं बट ऑब्वियसली द प्राइमरी रीजन बिहाइंड यूएसएसआर का डिस इंटीग्रेशन इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर फॉर सोवेरिनिटी ठीक है तो यहाँ पे जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी जब उन्होंने डिजायर फॉर सोवेनिटी दिखाई उन्होंने कहा कि नहीं हमको एक अपने खुद की कंट्री चाहिए तो दिस वॉज द मेजर रीजन बिहाइंड वाई द डिसंटीग्रेशन टुक प्लेस इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है आपके रशिया हो गए एंड बाल्टिक रिपब्लिक्स तो बाल्टिक रिपब्लिक मतलब ये जो रीजन है यहाँ पे जैसे कि एस्टोनिया लातविया लिथुवेनिया यूक्रेन जॉर्जिया ये सारी कंट्रीज थी इन्होंने दिखाया कि नहीं हमको

और आपकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है बिकॉज यूएसएसआर बहुत ज्यादा बड़ी कंट्री थी तो डाइवर्सिटी भी बहुत सारी थी तो जो उन लोगों को लगा था कि अगर नेशनलिस्ट मूवमेंट यहाँ पे होंगे अगर सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स यहाँ पे होंगे तो वो आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज में ही देखने को मिलेंगे वाई बिकॉज ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज थी एंड ये लोग बहुत ही ज्यादा रिलीजियसली और एथनिकली डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू ईस्ट एशियन कंट्रीज तो एथनिक रिलीजियस डिफरेंसिस एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बट हुआ क्या ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वहां पे आपको देखने को मिला ज्यादा यहाँ पे नीड फॉर यू नो क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट वो चाहते थे कि वो अलग हो सके यूएसएसआर से इसके पीछे रीजन क्या है उन लोगों को लगता था कि बिकॉज ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड है इनका बोझ उनको उठाना पड़ रहा था तो वो नहीं चाह रहे थे कि इनका बोझ वो उठाए इसी रीजन से वो चाह रहे थे कि वो यूएसएसआर से सेपरेट एक एंटिटी क्रिएट कर सके सेपरेट हो सके अब कॉन्सिक्वेंसिस क्या थे इस थेग्रेशन के सबसे पहले तो इसका ऑब्वियसली मतलब था कि अब कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी ठीक है जो हमारा ये आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था कि कैपिटलिज्म बेटर है या सोशलिज्म बेटर है वो डिस्प्यूट खत्म हो चुका था ठीक है मोस्ट पीपल कैपिटलिस्ट सिस्टम सिस्टम इज द बेटर इसके साथ साथ इतना जो इनका आर्म्स रेस था वो भी खत्म हो गया ठीक है अब आर्म्स रेस और ज्यादा न्यूक्लियर वेपन एकदम फ्रांटिकली क्रिएट करना बंद हो गया था ठीक है अब उतना ज्यादा वो डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर रहे थे अब उनका शिफ्ट आ गया था यू नो आर्म्स की जो रिडक्शन होती है एज एन लाइक उनको सिक्योरिटी क्रिएट करना पीस के टूवर्ड्स डेवलप करना एंड आर्म्स की ट्रीटीज साइन करना जिससे हम लोग आर्म्स रेस को कर्व कर सके उसके टूवर्ड्स आपका फोकस आ गया था सेकेंडली ऑब्वियसली पावर रिलेशनशिप जो होते हैं वर्ल्ड में वो चेंज हो गए ठीक है बिकॉज नाउ यूएसए जो था इट बिकेम द सोल्ड सुपर पावर तो एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया यूएसए की डोमिनेंस अभी भी यूएसए की हेजेमनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ठीक है एक बहुत ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में उसके जो लॉज होते हैं उसके जो रूल्स होते हैं वो पाकि कंट्रीज को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करते रहते हैं तो यहाँ से आपका कैपिटलिज्म भी इमर्ज हो गया एज अ विनर एंड यूएसएवियलीमर्ज एज अमर ऐसी के साथ साथ आपका इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक एंड आई तो ये सारी जो इंस्टीट्यूशन होती हैं वो लोग चाहती हैं कि जो बाकी कंट्रीज हैं वो कैपिटलिस्ट मॉडल को सपोर्ट करें तो इन लोगों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्योंकि ये हर कंट्री को बोलती है कि नहीं आप कैपिटलिज्म पे आओ आप कैपिटलिज्म पे आओ इसी के साथ साथ लिबरल डेमोक्रेसी का जो आइडियोलॉजी है उसको मतलब दी मोस्ट यू नो बेस्ट वे ऑफ लिविंग अ पोलिटिकल लाइफ का दर्जा दे दिया जाता है इसके बाद बिकॉज सोवियत ब्लॉक जो था वो डिस हो गया बहुत सारी नई कंट्रीज क्रिएट होती हैं अब ये जो नई कंट्रीज क्रिएट होती हैं इनके पास खुद के इंडिपेंडेंट एस्पिरीशन होते हैं अब ये इनके पास होता है कि इनको खुद की कंट्री बनाना है किस पॉलिटिकल पार्टी से अलाय करना है कौन सा यू नो सिस्टम फॉलो करना है किस रीजनल uh, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है इनमें से बहुत सारी कंट्रीज uh, थी जिन्होंने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया बहुत सारी थी जिन्होंने नेटो को ज्वाइन किया ठीक है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो थी वो चाहती थी कि वो रशिया के साथ टाई बना के रखे ऑल्सो वो वेस्ट के साथ टाई बना के रखी तो वो चाहते थे कि वो दोनों तरफ से उनके टाइज बना के रख सके शॉक थेरेपी की बात करें तो शॉक थेरेपी का क्या मतलब होता है शॉक थेरेपी की अगर डेफिनेशन अगर मैं पढ़ूं तो द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप दैट तो वाज इन्फ्लुएंस बाय द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी अब इसको शॉक थेरेपी क्यों बुलाते हैं इसका यहाँ पे आप सोचिए आपका एक कंट्री है वो हमेशा से मतलब फॉर द पास्ट सेवेंटी ईयर कम्युनिज्म फॉलो करती आ रही है ठीक है उसका इंस्टीट्यूशन कॉम्युनिज्म पे बेस्ड है कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहा है हर चीज कलेक्टिव फार्मिंग वगैरह तो मतलब आपका एग्रीकल्चर में भी कलेक्टिव फार्मिंग है आपकी इंडस्ट्री भी पब्लिक इंडस्ट्रीज ही है अब यहाँ से एक कंट्री कैपिटलिज्म में जा रही है एंड कैपिटलिज्म क्या है मिनिमल इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट तो फ्रॉम हंड्रेड परसेंट इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट हम लोग जितना कम इंटरफेरेंस ला सकते हैं गवर्नमेंट का उसपे जाने का जो ट्रांजेक्शन होगा जो शिफ्ट होगा वो कितना शॉकिंग होगा एंड hence नाम है शॉक थेरेपी अचानक से इतना मेजर मेजर शिफ्ट लाना एंड अचानक से मतलब पूरी आपके इंस्टीट्यूशन हट जाके एकदम यू नो क्रिएट करना ओवरवेलमिंग मतलब फीलिंग्स विद इन द पीपल तो आपके इकोनॉमी क्रम्बल कर जाती है आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्रम्बल कर जाता है एंड बहुत सारे इश्यूज फेस कर जाने पड़ते हैं इन कंट्रीज को अब यहाँ पे जो सारी कंट्रीज थी इनको कैपिटलिजम फॉलो करना पड़ता है यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप जो था उनको कभी पता नहीं था प्राइवेट ओनरशिप का क्या आइडिया होता है प्राइवेटाइजेशन जो होते हैं स्टेट एसेट थे दैट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू डू आप सोचिए कि

कि हम लोग इन दोनों का कुछ मर्ज करके कुछ बना लेते हैं नहीं कहा हमें हंड्रेड परसेंट शिफ्ट करना पड़ेगा टुअर्ड्स कैपिटलिज्म uh, तो यहाँ पे जो शॉक uh, थेरेपी थी इसमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला इन दी एक्सटर्नल ओरिएंटेशन एज वेल इसका क्या मतलब है कि पहले जो यूएसएसआर था उसके बहुत मिनिमल था बाहर की कंट्रीज के साथ ठीक है इट कम्स टू एक्सपोर्ट अब उसका इंट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था यहाँ पे फ्री ट्रेड को बहुत एम्फोसाइज किया ठीक है फॉरिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत ही ज्यादा एम्फोसाइज किया एंड इनको माना गया एज द मेन इंजन जो चेंज लाएंगे तो इससे क्या हुआ वो ओपन अप हो गई इकोनॉमी और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आने लग गए बाहर से फाइनली इस ट्रांजेक्शन की बात करें तो इट इन्वॉल्व ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस अमंग द द कंट्रीज ऑफ सोवियत ब्लॉक तो जो पहले की जो ट्रेड अलायंस वाला सिस्टम था अब वो वाला ट्रेड अलायंस वाला सिस्टम नहीं फॉलो हो रहा था अब सोवियत यूनियन की जो कंट्रीज थी जो इंडिपेंडेंट हो गई थी नाउ दे वो फॉर्मिंग विद द वेस्टर्न कंट्रीज यूएसए के साथ बना रही थी यूरोपियन जो कंट्रीज है वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज पार्ट ऑफ नेटो उनके साथ अलायंसेस बना रही थी वाई बिकॉज उनके पास पैसा था ठीक है तो वो उनको हेल्प कर सकती थी वो वहां से मतलब इंडस्ट्रीज क्रिएट कर सकती थी जो इकोनॉमिकली लिबरेट कर सके इन कंट्रीज को इनकी सिचुएशन को बेटर बना सके तो यहाँ पे क्या होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पहले पहले यूएसएसआर के टाइम पे वो ट्रेड सिस्टम रहता था वो नहीं रहता अब वो वेस्टर्न कंट्रीज

ऑफ इंडस्ट्रीज व पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज मतलब की जो इंडस्ट्रीज उन्होंने क्रिएट कर रखी थी इनको नाइन्टी परसेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज को उन्होंने सेल पे डाल दिया ठीक है और इनके साथ क्या होता है बिकॉज ये मार्केट वैल्यू डिसाइड कर रहा होता है इनकी वैल्यू को एंड uh, मतलब उस टाइम पे मार्केट का हाल बहुत खराब था बिकॉज रशिया वॉज अ वेरी पुअर कंट्री ना ऑल ऑफ अ सडन पूरा इकोनॉमिक वो चेंज हो गया था उनका तो मार्केट का वैल्यू इतना ज्यादा पुअर हो चुका था कि ये जो इंडस्ट्रीज थी जिनके एक्चुअल में वैल्यू इतनी ज्यादा थी इनको बहुत कम प्राइस में बेचना पड़ गया इन लोगों को ऑप्शन ही नहीं बचा था कि हाँ ठीक है हम लोग जितने प्राइस में वो होनी चाहिए आइडियली उससे कम प्राइस में ये बेच रहे थे इसी रीजन से इसको बुलाया जाता है द लार्जेस्ट गैराज सेल इन द हिस्ट्री अब यहाँ पे रशियन जो रूबल तो जो रशिया की करेंसी थी रूबल उसकी जो वैल्यू होती है वो भी ड्रामेटिकली डिक्लाइन करने लग जाती है ओके तो वैल्यू उसकी ड्रामेटिकली डिक्लाइन कर रही है उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है कलेक्टिव फार्मिंग वाले सिस्टम से जब प्राइवेटाइजेशन पे आ रहे हैं तो इससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो, जो होता है वो भी कम होता जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होता जाएगा आपकी प्राइजेस बढ़ती जाएगी मतलब गुड्स की एंड देन फूड सिक्योरिटी भी एक तरीके से आपको मिल नहीं पा रही थी एंड देन उनको क्या करना पड़ता है बाहर की कंट्री से खाना को इंपोर्ट करना पड़ता है जीडीपी जो थी रशिया की 1999 में इट बिकेम बिलो द जीडीपी ऑफ व्हाट इट वाज इन 1989 मतलब 10 साल पहले की इकॉनमी से वर्सन हो गई थी यहां पे सिचुएशन ऑब्वियसली यहाँ पे बिकॉज वो इक्वालिटी वाला सिस्टम परस्यू कर रहे थे यहाँ पे वेलफेयर सिस्टम फॉलो कर रहे थे अब वो वाला सिस्टम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है बहुत सारे लोग जिनको पहले वेलफेयर वो दिया जा रहे थे उनको पैसा दिया जा रहा था उनको खाना पीना दिया जा रहा था हेल्थ एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करे जा रहे थे अब जब उनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है वो पॉवर्टी में शिफ्ट हो जाते हैं बहुत सारे लोगों को पुष्ट हो जाते हैं पॉवर्टी में मिडिल क्लास के साथ भी यही सब हालत रहती है एंड जो एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल माइंड पावर हो जाता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है या तो वो माइग्रेट जाते हैं अब जिनके पास थोड़ा थोड़ा भी पैसा था वो कहते हैं छोड़ो हम लोग इन कंट्रीज को छोड़ के वो बाकी कंट्रीज में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे वो वेल टू डू रह सके ठीक है माफिया इमर्ज हो जाती है यहाँ पे इन कंट्रीज में तो माफिया जब इमर्ज होती है तो ये क्या करते हैं अंडरग्राउंड से ये कंट्रोल कर रहे होते हैं इकोनॉमी के इसी के साथ साथ प्राइवेटाइजेशन से डिस्पैरिटी भी क्रिएट हो जाती है रिच एंड पुअर रीजन में थोड़े रीजन होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा रिच लोग रहते हैं एंड थोड़े रीजन होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा पुअर लोग रहते हैं एंड नाउ दिस इज इन ग्रेट कॉन्ट्रास्ट टू जो सिस्टम पहले था बिकॉज अर्लियर हर जगह पे इक्वालिटी थी अब इनक्वालिटी देखने को मिल जाती है लोगों को अब पॉलिटिकली अगर हम कंट्रीज के बारे में बात करें तो बेसिकली क्या होता है ये जो सारी कंट्रीज होती हैं ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत फटाफट बनाना पड़ जाता है इनको ठीक है तो बहुत हरीड वे में ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है जब बहुत हरीड वे में ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है ये क्या करती है मैक्सिमम पावर जो होता है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है ठीक है एग्जीक्यूटिव एज एन जो प्रेसिडेंट है जो लीडर्स है उस टाइम के उनके हाथ में बहुत ज्यादा पावर दे देती है एंड वी ऑल नो की पावर मैक्सिमम किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए इट शुड बी इक्वली शेयर बिटवीन ऑल दी इंस्टीट्यूशन बट ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब जो आपका पावर होता है वो एग्जीक्यूटिव को दे देते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम

जुडिशियरी का क्या हाल था जुडिशियरी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी यहाँ पे नहीं थी और जुडिशियल कल्चर भी यहाँ पे कम देखने को मिल रहा था अगेन बिकॉज की कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मतलब हरेडली बनाया गया था बहुत फास्ट फास्ट बनाया गया था तो यहाँ पे हम लोगों को जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस भी देखने को कम मिलती है 2000 के बाद से यहाँ पे जो इकोनॉमी होती है वो थोड़ा डेवलप करने लग जाती है इसके पीछे मेन रीजन होता है कि इस रीजन में आपको ऑयल मिल जाएगा ठीक है इस रीजन में आपको नेचुरल गैस मिल जाएगा एंड मिनरल्स मिल जाएगा तो इसमें आपके मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं अजब है कजाकिस्तान है, है रशिया है तुर्कमेनिस्तान है एंड उज्बेकिस्तान है ये कंट्रीज इंपॉर्टेंट है इनका नाम याद रखिएगा बाकी जो कंट्रीज थी बिकॉज यूएसएसआर पहले एक पूरी कंट्री थी तो वहां पे पाइपलाइन सबके विदिन से जाते थे तो वो बाकी कंट्रीज क्या करती हैं ये जो पाइपलाइंस उनके विदिन से जा रही हैं उनका रेंट चार्ज कर लेती हैं दूसरी कंट्री से ठीक है कि मेरी टेरिटरी के अंडर से जो पाइपलाइन जा रही है यहाँ से पास हो रही है उसका रेंट तुम हमको दे दो तो उनका भी मतलब काम चल जाता है फ्रॉम दैट रेंट मनी जो उनको रिसीव होता है टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्स सो बेसिकली कभी भी अगर किसी भी कंट्री में डिस इंटीग्रेशन होगा पूरा सिस्टम हिल जाएगा तो वहां पर टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्स देखने को मिलेगा वैसे ही यहाँ पे फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक में भी बहुत सारे सिविल वॉर्स एंड इंसर्जेंसीज देखने को मिले सबसे पहले तो रशिया की अगर बात करें तो यहाँ पे चिचनिया दागिस्तान करके मतलब जो टू रिपब्लिक्स है यहां पे वॉलेंट सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स देखने को मिले की हम चाहते हैं कि हम अलग हो जाए ठीक है तो देवल हमें रशिया से अलग हो जाना है तो चेचिन वहां पे मतलब इंडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग वगैरह सब करते हैं ह्यूमन राइट वॉयलेन्स होता है बट मतलब यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशन को यहाँ पे फेस करने को मिलता है इनको इसी के साथ साथ सेंट्रल एशिया की अगर बात करें तो ताजाकिस्तान जो ये कंट्री है यहाँ पे उनको सिविल वॉर विटनेस की इन्होंने

तो यूएसए बेसिकली 2001 के बाद जब उनका वहां पे नाइन इलेवन अटैक हुआ था उसके बाद से यूएसए ने कहा कि वो चाहता था इस रीजन में मिलिट्री बेसिस क्रिएट करना ठीक है जिससे वो मतलब देख सके कि यहाँ पे क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं एंड काउंटर टेररिज्म कर सके इसके अलावा रशिया जो है वो चाहता है कि नहीं बिकॉज इट बिलीव इन आइडिया ऑफ नियर अब्रॉड नियर अब्रॉड का क्या मतलब है कि रशिया चाहते हैं कि क्योंकि वो इस सिचुएशन में है जहां पे वो इन सब कंट्रीज से सबसे ज्यादा क्लोज है तो इसको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो इन सब कंट्रीज से तो वो चाहता है कि इसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए चाइना भी वहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है वाई बिकॉज चाइना को यहाँ पे ऑयल रिसोर्सेज चाहिए जो उसको मिल जाते हैं अब यहाँ पे ईस्टर्न यूरोपियन कॉन्फ्लिक्स की अगर बात करूं तो शेकोसलावाकिया करके कंट्री थी जो स्प्लिट हो जाती है विद मतलब यहाँ पे दो स्प्लेट्स हो जाते हैं दो लोग होते हैं शेक्स एंड द स्लोवाक्स ठीक है जो अपनी खुद की कंट्रीज बनाते हैं बट सबसे सीवियर कॉन्फ्लिक्ट अगर देखने को मिले वो होता है आपका यूगोस्लाविया में ठीक है यूगोस्लाविया नाइन में ब्रेकअप आट हो जाता है इन मेनी बाल्कन रीजन जैसे कि आपका क्रोएशिया स्लोवेनिया बोस्निया एंड होजिगोबिना तो ये तीन मेजर रीजन है जहां पे यूगोस्लावाया आपका

अगर इंडिया की बात करें एंड इंडिया के रिलेशनशिप की बात करें पोस्ट कॉम्युनिस्ट कंट्रीज से तो इंडिया एंड पोस्ट कॉम्युनिस्ट कंट्रीज का रिलेशनशिप हमेशा से बहुत अच्छा रहा है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ठीक है कोई ज्यादा मतलब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिलते हैं बट हमारा बेस्ट रिलेशनशिप जो है वो रशिया के साथ दिखता है तो यहाँ पे रशिया के साथ आप देख सकते हो कल्चरली भी हम लोग बहुत सेम है तो यहाँ पे लिख रखा है कि जैसे बॉलीवुड के गाने अमिताभ बच्चन राज कपूर इन सबके बारे में रशिया में लोग बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं इसके साथ साथ पॉलिटिकली अगर देखें देन रशिया एंड इंडिया हैव अ वेरी सिमिलर विजन ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ठीक है हम लोग अभी बात करें जैसे अब करेंटली अब वी आर लिविंग इन मोर और लेस अ यूनिपोलर वर्ल्ड जहां पे यूएसए का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है रशिया एंड इंडिया चाहते एक मल्टीपोलर वर्ल्ड आए जहां पे सारी कंट्रीज को एग्जिस्ट करे साथ में ठीक है एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिस्टम बनाए यहाँ पे ग्रेटर रीजनलिज्म हो नेगोशिएट कर सके हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को मतलब आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आए कि हाथा पाई पे ना आए नेगोशिएट कर सके हर चीज़ को डिप्लोमेटिकली और खुद की फॉरन पॉलिसीज बना सके कहीं से इन्फ्लुएंस होकर नहीं कि यूएसए अच्छा ऐसा कर रहे तो हमें करना पड़ेगा खुद की फॉरन पॉलिसीज खुद लें खुद का सोवेरनिटी खुद लें एंड यूएन जो है उसको स्ट्रेंथन कर सके कि यूनाइटेड नेशन इतना स्ट्रेंथन हो जाए किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए कि वो एज अ गुड मीडिएटर एक्ट कर सके इन सब कॉन्फ्लिक्स में टू में मतलब इंडिया रशिया ने स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट साइन की थी एंड वी हैव साइंड अराउंड यू नो मोर देन एटी बायोलेट्रल अग्रीमेंट्स इंडिया एंड रशिया ने साथ में मिलकर अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया इज वेरी बेनिफिटिंग फ्रॉम रशिया के रिलेशनशिप से बिकॉज रशिया हैज ऑलवेज टेकन आवर स्टैंड इन इश्यूज लाइक कश्मीर ठीक है कश्मीर इशू में हमेशा रशिया हमारे साथ रहा है एनर्जी सप्लाई में हमेशा रशिया हमारे साथ रहा है आपके इंटरनेशनल टेररिज्म के बारे में इन्फॉर्मेशन जो होती है ठीक है कि सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज है उसमें ये सब हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन भी रशिया हमको प्रोवाइड करता है रशिया के लिए हम लोग क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया जो है इट इज यू नो द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया ठीक है इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया इंडिया की जो मिलिट्री है वो सबसे ज्यादा हार्डवेयर जो है इंडिया की मिलिट्री का वो आता है रशिया के थ्रू और इंडिया ऑब्वियसली उसको ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है हमें ऑयल की जरूरत होती है तो रशिया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है हमारे सपोर्ट में रहता है जब भी हमको ऑयल का क्राइसिस फेस करना पड़ता है एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए भी रशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है उसी के साथ साथ कजास्तान एंड तुर्गेनिस्तान इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज वहां से भी हमारे एनर्जी रिसोर्सेज आते हैं उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी की अगर बात करें उसमें भी रशिया ने काफी हेल्प किया है इंडिया का एंड रशिया एंड इंडिया जो है वी हैव कोलैबोरेटेड विद वन अनदर ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट अच्छा इसके ऊपर एक प्लस बॉक्स दे रखा है यहाँ पे विच स्पीक्स अबाउट इंडिया एंड यूएसएस रिलेशनशिप एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आ सकता है तो इंडिया एंड यूएसएसआर रिलेशनशिप जो है वो मोर और लेस सिमिलर है टू तो इंडिया एंड रशिया रिलेशनशिप तो आप सिमिलर पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो जैसे कि अगर इकोनॉमिक परस्यूज की बात करें तो इंडिया उस टाइम पे जब कंट्री बन के ही आया था तो इंडिया को अपनी इंडस्ट्रीज डेवलप करनी थी तो उसमें इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में रशिया ने यूएसएसआर ने काफी मदद की थी हमारी ठीक है उन्होंने हमको बहुत ज्यादा असिस्टेंस दिया उन्होंने हमको एड प्रोवाइड किया कि हम लोग ये अपना आयरन एंड स्टील प्लांट्स बना सके भिलाई बोकारो में ठीक है एंड उसी के साथ साथ इंडिया की जब फॉरेन करेंसी जो होती है हमारा फॉरेन रिजर्व जब कम हो गया था तो यूएसएसआर ने हमसे इंडियन करेंसी में भी मतलब पेमेंट ले लिया था विच इज अ वेरी गुड थिंग मतलब कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हमसे इंडियन करेंसी का पेमेंट इसी के साथ साथ पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट कश्मीर इशू में हमारे साथ खड़ा रहता है यूनाइटेड नेशंस एंड पाकिस्तान के साथ जब वॉर हुई थी 1971 में जब यूएसए वगैरह वर नॉट सपोर्टिंग अस उस टाइम पे भी यूएसएसआर सपोर्टिंग अस मिलिट्री वाइज अगेन जैसे मैंने बताया हमारा जो मोस्ट हार्डवेयर आता है यूएसएसआर से आता है एंड नाउ रशिया से आता है तो इसलिए मिलिट्री वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सोवियत यूनियन एंड इंडिया जो है बहुत सारी अग्रीमेंट्स कर रखी है जहां से हम लोग ज्वाइंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं मिलिट्री के इक्विपमेंट साथ मिलकर प्रोड्यूस करें

ठीक है वेस्टर्न एशियन मिडल ईस्ट के आसपास वाली जो कंट्रीज हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए नीड बढ़ने लग जाती है ठीक है मतलब जो सिटीजन होते हैं इन कंट्री के वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी आए उनके एस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है वो नहीं चाहते कि वो एक ऐसे सप्रेस सिस्टम में रहें वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी चाहिए उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए उनकी इक्वालिटी एंड फ्रीडम हम लोग फर्दर एक्सटेंड कर सके तो यहाँ से सब शुरू होता है अरब स्प्रिंग विच बिगिन इन दर टू थाउजेंड नाइन ये अगेंस्ट एंड पॉवर्टी के अगेंस्ट ठीक है इसको पब्लिक ने शुरू किया था इन सब चीजों के अगेंस्ट एंड ये फर्दर जाके बेसिकली इट वाज फाइटिंग अगेंस्ट एन ऑटोक्रेटिक मतलब डिक्टेटरशिप कि एक ही इंसान सब कुछ कर रहा है हमको ये सब नहीं चाहिए वी वांट डेमोक्रेसी कि आप आप हमसे पूछो हमको क्या चाहिए हम चाहते हैं कि हमारे आइडियाज हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो प्रोपोगेट हो हम चाहते हैं कि हमारा बेनिफिट हो एक इंसान डिसीजन ना ले ठीक है हर इंसान के पास अब मतलब वो हो चॉइस कि वो अपने बातों को आगे रख पाता है अब क्या होता है अगर कभी भी एक जगह पे कुछ भी शुरू होता है वो वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो जाता है एंड बाकी रीजन में भी स्प्रेड होना शुरू हो जाता है सिमिलरली जो चीज यहाँ पे टोनिशिया में स्प्रेड हुई थी वो बाकी सारे जो मुस्लिम डोमिनेटेड अरब कंट्रीज थी वेस्टर्न एशिया में वहां पर भी स्प्रेड होना शुरू हो जाती है इसका सबसे

इटनिंग जो होती है वो स्प्रेड कर जाती है थ्रू आउट द रीजन बेसिकली इतना ही है छोटा सा ये क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो एंड दैट इज वेयर द चैप्टर एंड्स थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अगर अभी तक देखा आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया हो कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो बाय बाय